my god. और आप सब लोग भी घर में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है रात के 11:30 बजे हेलो कैसे हैं सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बस इंजॉय कर रहे होंगे अपना काम और अगर आप लोगों की छुट्टियां हैं तो आप छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे और मैं बस अभी भी अपना काम ख़त्म तो नहीं हुआ है काम क्योंकि आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और बहुत सारी कॉल्स थी मेरी एक कोर्स भी था ऑनलाइन वो सब कुछ फिनिश करके बस नीचे आई हूँ क्योंकि घर पूरा फैला हुआ है इस टाइम सुबह अभी को स्कूल छोड़ दिया था सोचा था सुबह एक व्लॉग बनाना शुरू कर दूंगी पर वो हो नहीं पाया एनीवेज अभी बज रहे हैं 3 और मैं अभी अभी नीचे आई हूँ थोड़ा घर भर संभालती हूँ क्योंकि अबीर के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा और आज उसका वायलिन भी है और सौरभ उसको वायलिन लेकर जा रहा है तो हम आज आपको दिखाएंगे कि वो कैसी वायलिन बजाता है ही इज़ नॉट वेरी गुड इन इट लेकिन हाँ सीख रहा है धीरे धीरे सो होपफुली गाइस विल लाइक इट तो आपको वो भी दिखाएंगे आज बाकी मैं बहुत थकी हुई हूँ इतने सारे काम हैं मैं ये इसलिए नहीं बोल रही आपको सुनाने के लिए कि मेरे बहुत सारे काम हैं बट ऑनेस्टली मेरे बहुत सारे काम हैं मेरा काम इतना बिजी चल रहा है इस टाइम पे मतलब कि जो मेरा ऑफिस का काम है और साथ में बहुत कुछ और भी चल रहा है जैसा कि आपको पता ही है इट्स बीन 4 months हम नए घर में रह रहे हैं लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे और मैं सच में कह रही हूँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस घर की शॉपिंग करनी शुरू करूँ अभी मुझे कर्टन्स खरीदने हैं सोफ़ा खरीदना है अभी का बेड हो गया है लेकिन उसकी डिलीवरी का कुछ पता नहीं है वो चेस करना है किचन को बनाना है बहुत कुछ करना है मुझे अपना स्टडी रूम दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे घर में क्योंकि सौरभ को उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है वो फिनिश करना है तो क्योंकि जब भी आपने हमारे व्लॉग्स में देखा होगा हमारा घर एकदम खाली नज़र आता होगा तो डाइनिंग टेबल का आना है बहुत सारी चीज़ें यार समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ बाकी ये सब तो चलता ही रहेगा तो मैं अपने आप को बस ऐसे सोच के थोड़ा सा स्ट्रेस कर लेती हूँ फिर मैं अपने आप को थोड़ा खुद ही काम डाउन करती हूँ क्योंकि ऐसा एक भी टाइम नहीं है कि मैं फ्री बैठ रही हूँ ठीक है हाँ बाहर भी घूमने जा रहे हैं क्योंकि आप समझ सकते हो अबीर के साथ आप घर में नहीं बैठ सकते वीकेंड पे आपको उसे बाहर भी लेकर जाना है ही वॉन्ट्स टू गो आउट क्रिसमस मार्केट्स लग गई हैं तो बस उसके साथ वीकेंड निकल जाता है आज मैं कुछ डिलिशियस बनाने जा रही हूँ जिसकी क्रेविंग मुझे इतने दिनों से हो रही है तो मैं बनाऊंगी आज फेनिया जिसको आप सेवैयाँ भी बोलते हो सो स्टे ट्यून गाइस इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो मैं आपको जल्दी से अपना लॉन मूवर भी दिखा देती हूँ अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ 2 to 3 weeks पहले उसको इंस्टॉल करवाया था दिवाली के बाद तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एक ही बंदा है हमारे घर में जो अपने काम को लेकर 100% कंसिस्टेंट है वो है हमारा लॉन मूवर तो आइए दिखाएं बम्पर जी क्या कर रहे हैं अबीर उसको प्यार से बम्पर बुलाता है तो ये रहे हमारे बम्पर जी जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं घास काटने का जैसे ही घास बढ़ती है ये अपने काम पर लग जाते हैं और घास काटना शुरू कर देते हैं तो ये इसका घर है आई होप आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा तो सूर्य साहब रेडी हो रहे हैं अबीर को पता हम भाग ही होते हैं सीरियसली मैं भी नहीं हमेशा ही बात रहता हम तब देर हो रही है तो हो रही है ना लेकिन तेरी कॉल बाय लव यू ठीक है बाय लव यू टू बाय उसका खाना है उसका खाना ये ना भाई डेकोरेशन का उतरी थी सारी घर की चल कोई बात नहीं तू ही बिजी चल रही है चल उतार लेंगे आज मिलके उतार लेंगे ठीक है आज कर लेंगे ठीक है ओके बाय बाय चलो बाय बेबी लव यू पता है वीक डेज पे हम लोग ऐसे ही जल्दी में रहते हैं एनीवेज अभी घर के काम खत्म करते हैं क्योंकि अभी आ जाएगा और फिर उसका डिनर भी बनाना है अपना डिनर भी बनाना है और सेवैयां भी तो बनानी है तो चलो फिर जल्दी से काम खत्म करते हैं दिवाली की डेकोरेशन उतार रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ना कुछ ज़्यादा ही लेज़ी हो गई थी मैं एक्चुअली
ये जितनी भी डेकोरेशन थी ना ये आर्टिफिशियल है, तो इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा था, घर थोड़ा सजा सजा लग रहा था, मैंने चलो लगे रहने देते हैं। बट अभी आई थिंक टाइम आ गया कि मैं इसको उतार लूँ और इसको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करके रख दूँ। वैसे तो मैं हर साल नई डेकोरेशन लेती हूँ, मतलब कि नई चीज़ें खरीदती हूँ दिवाली पर, बट हाँ अगर पिछले साल की कोई अच्छी चीज़ें पड़ी होती हैं जो यूटिलाइज हो सकती हैं, सो वाई नॉट। तो बस अब इस पूरी डेकोरेशन को अच्छी तरह क्लीन करके रख दूँगी। ये बहुत ही प्यारी है, यू नो इसे ना तोरण बोलते हैं, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, शी सेल्स लॉट्स ऑफ स्टफ विच इज़ मेड इन जयपुर, और जिससे आप अपना घर डेकोरेट कर सकते हो। उसका इंस्टाग्राम आईडी है ये, और मैं लिंक भी छोड़ दूंगी अपनी डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी भी आ गए? हाँ बस अभी नहीं आया, लेकिन अभी नहीं आया, नहीं अभी डिन कम। ओह माय गॉड, सो हाउ वाज द स्कूल? इट वाज गुड डैडी, व्हाट अबाउट यू? व्हाट हैपेंड, डिड यू गेट समथिंग फॉर मी? नो आई डिड गेट समथिंग फॉर मी। यू डिड समथिंग फॉर मी फॉर माय वर्क टाइम टेबल्स। ओह माय गॉड अबीर, लेकिन हमने इतनी प्रैक्टिस करी है ना, ये अपने भी लगा हुआ है। झाड़ू पोचा बच्चा संभालना, फिर अपने ऑफिस का काम करना, बस बस यही तो सारी जिंदगी है। बस ऑफिस जावांगे, बच्चे नु स्कूल छड़ांगे, स्कूलो लेके आवांगे, वो तुम्हारी जिंदगी होती है ना। अपना घूम फिर के घूमने नहीं जा रहा, मतलब मुझे ना पिक्चर्स भेजता है जब अपने ऑफिस के डिनर पे होता है, आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो खाया। तो क्या करूं, तेरे को भेजता हूं कम से कम, ये तो खुश रहे। मतलब हम शेयरिंग शेयरिंग ज्यादा शेयर मत कर लियो तुम। मैं नहीं बेटा, काम शुरू कर ले मेरा। हां जी मैं, एक्सक्यूज मी, जिस चीज पे मुझे लानत मिल रही थी पिछले कुछ दिनों से। उधार भी नहीं तूने तो नेल्स तो डांस के। पता है क्या कहा है अभी? मैंने नेल्स हैमर के साथ लगाई थी ना वॉल के अंदर, कह रहा उसको भी निकाल। तू नहीं निकालेगी? थोड़ी देर में तो कहेगा उसकी फिलिंग भी कर, वहां पेंट भी कर। ये नेल्स ऐसे ही लगे रहेंगे सारे? हां अभी तो उसको लगे रहने ना, क्योंकि मैंने वो जब मैं कर्टेंस लेकर आऊंगी ना, हाँ अभी कुछ लगा दूंगी मैं इसमें, लेकिन जब कर्टेंस का करेंगे ना काम, जो कि हमारी 10 वर्ष। नहीं नहीं नहीं, मैं नेल्स निकालूंगा, बहुत सारे नेल्स। हर चीज में ना, घर में कोई भी चीज लानी हो ना, हाँ जी पहले वाइफ से पूछे। नहीं वाइफ से पूछे नहीं, वाइफ को इन्वॉल्व करे, ऐसे भी मैं ले आऊंगा, मैं कर दूंगा, वाइफ को इन्वॉल्व करे। हाँ जी, और आप सब लोग भी, घर में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है, छोटा डिसीजन लेना है, वाइफ की रजामंदी बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुई तो वो डिसीजन नहीं होगा, सिंपल। और अगर उल्टा हुआ ये तो आपको एडजस्ट करना होगा, मतलब हमेशा हमें एडजस्ट करना है। मतलब देखिए अच्छी, एक अच्छी सुखी वैवाहिक जिंदगी का जो राज है वो ये है कि वाइफ की बात सुनते रहो। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल।
मैं तो अपने पापा को भी सिखाती थी, पापा मम्मी की गल मान लो की घाट से आपा पिया है। मैं तो अपने पापा ने हमेशा ही कहा मैं पापा छोड़ो सारिया गलत चलो ईगो शीगो न दूर रखो जो मम्मी कहते पे हाँ हाँ कर दो एग्जैक्टली बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक है राखी। अभी सूर्य के सोने का टाइम हो गया है। It doesn't matter. Oh my god. What was wrong in that pose? You got tummy ache. Oh my god. Whoever did this guys, this thing, would you be scared? Oh, excited. Comment down below. Abir is reading a book called Stunning Stunts. Stunning Stunts. जो ये सारा दिन करता है घर में. Anyways, so he is asking you कि अगर आपको कभी मौका मिले तो क्या आप ये स्टंट करना चाहोगे? Oh my God. I'm going back in bed. मैं तो खैर कभी नहीं कर पाऊंगी. तो finally अबीर ने book reading खत्म कर ली और अब वो सोने चला गया है. और मैंने सोचा मैं जल्दी से इससे पहले हम डिनर करें मैं आपको फटाफट से सेवैयों की रेसिपी दिखा देती हूँ और बना भी लेती हूँ क्योंकि डिनर के बाद सेवैयाँ खाने का अपना ही मज़ा होगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है दूध, फेनी, क्रश्ड आलमंड, छोटी इलायची, केसर और क्रश्ड पिस्ताशियो जो जिसको आप पिस्ता भी बोलते हैं। और यहाँ पर है मेरे पास, मैंने दो पैन लिए हैं। एक पैन के अंदर मैं फेनी को रोस्ट करूँगी और एक पैन के अंदर हमारा जो दूध है वो गर्म होगा। तो कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है 3 कप दूध, इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो दूध को रख दिया हमने गर्म होने के लिए। जब इस दूध में थोड़ा सा उबाल आना शुरू होगा तब मैं इसके अंदर केसर और इलायची को ऐड करूंगी क्योंकि कैमरा की पोजीशन एक जगह पर बनी हुई थी। तो मैंने दूध वाली कढ़ाई को वहां रख दी है और यहाँ पे मैंने रख लिया पैन जिसके अंदर हम करेंगे वर्मिसेली को रोस्ट। तो वर्मिसेली को रोस्ट करने के लिए हम लेंगे अनसॉल्टेड बटर, आप देसी घी भी ले सकते हैं। मुझे अनसॉल्टेड बटर ज्यादा पसंद आता है देसी घी से, तो इसलिए मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है। अनसॉल्टेड बटर आप लेंगे 1 स्पून, 1 टेबल स्पून। और जब ये बटर मेल्ट हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और फेनी। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बटर है वो पिघल गया है। तो अब इस बटर के अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से पिस्ताशियो और थोड़े से आलमंड। तो बादाम और पिस्ताशियो को इस बटर के अंदर हल्का सा स्टर फ्राई कर लेना है। हमने इनको रोस्ट नहीं करना है बटर में, बस इनको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक ही स्टर फ्राई करना है। थोड़ा बटर में ना ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर आ जाएगा ऐसा करने से। और फिर हम इसमें वर्मिसेली ऐड करेंगे। मैंने लिया है एक पूरा बोल वर्मिसेली का। ये याद रखिएगा जो ये पेनी है ये फूलती है दूध में जाकर, तो जितना आप दूध लेते हो उससे कम आपको पेनी लेनी है। तो मैंने वैसे 3 कप दूध लिया है और 1.5 कप फेनी ली है। तो हमेशा की तरह मेरे कैमरे ने मुझे दोबारा धोखा दे दिया है और उसको लगा दिया मैंने चार्जिंग पर क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर गर्म हो रहा है हमारा दूध, जो हमारी फेनी थी वो बटर के अंदर अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। ठीक है, इसको ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना है। तो अब हम कर देंगे गैस को बंद। जो दूध है वो भी गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर डालेंगे हम केसर और छोटी इलायची। तो बस थोड़ा सा केसर डालना है इसके अंदर। ठीक है, और मैंने 3 इलायचियां क्रश करी थी और मैंने 3 इलायची डाल दी है इसके अंदर। अब एक बार मैं इस दूध को स्टर कर दूंगी। एक इंग्रेडिएंट जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो मैंने आपको दिखाया ही नहीं था, वो है चीनी, शुगर। तो अब टाइम आ चुका है इस दूध के अंदर शुगर को ऐड करने का। चीनी ऐड करने से पहले अगर आपके पास, अगर आपको इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास थोड़े से क्रश्ड आलमंड और पिस्ताशियो है,
मैं वो इस दूध के अंदर डाल दूंगी। आप अपने स्वाद अनुसार जितना चाहे उतना ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो मैंने 3 कप दूध लिया था, इसलिए मैंने 3 बड़े चम्मच चीनी के लिए हैं और वो मैं अब इसके अंदर डाल दूंगी दूध के अंदर, और एक बार इसको अच्छे से स्टर कर दूंगी। मैंने दूध को अभी तक धीमी आंच पर ही रखा हुआ है, एक बहुत छोटा सा उबाला आने दिया था मैंने दूध में केसर और इलायची ऐड करने से पहले। अगर आप देखेंगे दूध का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, ये हो रहा है केसर की वजह से। एक बार दूध थोड़ा सा और गर्म हो जाए फिर इसमें जो ये फेनिया है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगेन ये मेरी अपनी रेसिपी है, तो प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो और मैं कुछ चीज़ नहीं फॉलो कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बट मैं फेनिया इसी तरह से बनाती हूँ और अक्सर ही सबको पसंद आती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं अपनी रेसिपी को शेयर करूँ। तो दूध हो चुका है गर्म, अब टाइम आ गया है इसके अंदर ये फेनिया ऐड करने का, क्योंकि मुझे दोनों हाथों की ज़रूरत थी फेनिया ऐड करने के लिए, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई, लेकिन मैंने फेनिया डाल दी है इसके अंदर। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब हम दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जो रंग है ना वो बहुत अच्छा आया है एक्चुअली, मुझे और सौरभ को ना थोड़ी रोस्टेड फेनिया पसंद है। मैंने कह तो दिया है कि हम इसका लुत्फ उठाएंगे खाना खाने के बाद, लेकिन सच बताऊं तो मुझसे वेट नहीं हो रही है। ओह माय गॉड, पता इतने दिनों से क्रेविंग हो रही थी ना फेनियों की। हम लोगों ने डिनर फिनिश कर लिया है और अब टाइम है डिजर्ट का, और सूरी साहब भी आ गए हैं। मिल गया दूध, क्योंकि मैंने सारा दूध सेवैयों के लिए यूज़ कर लिया था तो घर में दूध खत्म हो गया था, और सुबह अभी को स्कूल जा रहा है तो उसको दूध चाहिए होगा अपने सीरियल्स के लिए। रात के 11:30 बजे दूध लेकर आए हैं सुई साहब। वाह 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 वाह, रात के 11:30 बजे भी तुम क्या कम हो गया। 11:30 को टाइम होता है रौनक लगी होती, चहल पहल होती है। 11:30 कोई टाइम होता नहीं, 11:30 कोई टाइम नहीं होता। एनीवेज तो मैं आपको फटाफट से क्विक लुक दे देती हूँ अपनी सेवैयों का, क्योंकि मैंने सेवैयों को उसकी प्लेटिंग नहीं करी थी अभी तक वो कढ़ाई के अंदर ही है। मैंने सोचा क्योंकि जब हम खाना खाने लगेंगे तो मुझे दोबारा से गर्म करनी होगी, सो आई विल शो यू गाइस नाउ कि अब मैं कैसे उसकी प्लेटिंग करूंगी और फिर हम लोग खाएंगे और आपको बताएंगे। सूरी साहब की सेवैयां कैसी बनी है? राइट, अच्छी बनी होंगी क्योंकि आपकी बन गई क्या? हाँ बस बन गई है। थोड़े से बादाम पिस्ते आपने इसके ऊपर गार्निश कर देने हैं। और थोड़ा सा केसर। तैयार है हमारी सेवैया। मेरी दादी जी की फेवरेट होती थी सेवैयां, उनको सेवैयां बहुत पसंद थी। कोई फेस्टिवल भी मनाते हैं ना, कौन सा फेस्टिवल होता है? हाँ ईद पे बनती है और हम लोग सरगी में खाते हैं करवा चौथ पे। भाई बहुत टेस्टी है ना? आप लोग ट्राई करना भाई, बहुत अब तो ऑब्वियसली अगर नहीं बनाते तो प्लीज दोबारा ट्राई करना, अगर बनाते हो तो इस वाली रेसिपी को ट्राई करना। आई थिंक शायद आपको मुझसे भी अच्छी रेसिपी पता हो, लेकिन हाँ ये मेरी रेसिपी है, अगर आप ट्राई करोगे तो मुझे ज़रूर बताना, स्टोरीज में लगाना इंस्टाग्राम के, मुझे टैग करना। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। सूरी साहब पूरी तरह से बिजी हैं अपनी सेवैयां खाने में। मीठा लगाओ हमारी सेवैयां की तरह। That's a nice one. I like it. तो अगर आपको हमारा ब्लॉग मीठा लगा हो बिल्कुल इन सेवैयों की तरह, तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल, और अब हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।